हेलो गाइस, मैं स्पेशल टूर चैनल पर सबको स्वागत है। फिर से मैं आपको किस सामने आज ही और रजवीर भाई। तो गाइस, बात करूंगा पीएसएल की जो आज की मैच है, जो बिशर जामे वर्सेस कराची किंग्स मुकाबला करने वाला है। इस मैचों के बारे में तो दोनों टीम के पास भी जबरदस्त प्लेयर है। तो दोनों टीमों की अगर सब कुछ मिला के देखा जाए तो ये जो बिशर जामे है, तीन मैच खेला है और तीन मैचों से दो मैच हारा है, एक मैच जीता है। और ये जो कराची किंग्स है, कराची किंग्स भी यह तीन मैच खेला है और तीनों को तीनों मैच हार गया है। तो इसमें से तो पेशवर जब भी थोड़ा सा बेहतर है, आगे है। और अगर हिट रेट की बात करूँ, लास्ट 10 मैचों में जो है पेशवर जब ने 6 मैच से जीत हासिल किया है और कराची किंग्स ने 4 मैच से जीत हासिल किया है। और पिछले साल जो हुआ था वो दोनों को दोनों मैच ही पेशवर जब ने जीता था। तो पेशवर जब भी सभी तरह से या पेशवर जब भी थोड़ा सा आगे है इस कराची किंग्स से। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल यार 19 मैचेस हुआ है, 19 मैचों से यार पेशवर जब ने 10 मैच जीता है और ये जो कराची किंग्स है इसने 8 मैच जीता है और एक मैच टाइम हुआ था। तो यार ये जो दोनों टीम है ना, दोनों टीम पर ये जबरदस्त प्लेयर है। तो दोनों टीम के अगर की प्लेयर के बारे में बात करूँ तो बाबर आजम की जो टीम है यानी कि कराची किंग्स के पास सर्जिन खान है। इस टीम के पास जो क्लार्क भी है जो बहुत ही खतरनाक बन सकती है, बिग बैश में बहुत अच्छी फॉर्म में था, लेकिन ये जो पीएसएल चल रहा है पीएसएल में कोई भी फॉर्म नहीं है जो क्लार्क की। और अगर बॉलिंग लाइन की बात करूँ तो बॉलिंग लाइन उतना खास नहीं है इस टीम की, यही एक दिक्कत की बात है। कराची किंग्स के पास अगर दोस्त भी कर लेता है तो वो रन चेस हो जाएगा क्योंकि इसके पास उतना अच्छा खासा बॉलर नहीं है। अगर पेशवर जर्मी की बात करें तो पेशवर जर्मी के पास बॉलिंग बैटिंग से बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक है, लेकिन कराची से स्ट्रॉन्ग है ये जो पेशवर जर्मी की बॉलिंग लाइनअप है। तो दोनों टीमों की अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सबका वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो बहुत ही एक अच्छी मैच होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्रॉफिट मैच होगा। और ये जो पीएसएल है, आप लोगों ने देखा है कि लास्ट जो 4 मैच हुआ है वो 4 को 4 मैच कांच पे जीता है। पहली जो 4 मैच हुआ था वो 4 को 4 मैच सेकेंड पे जीता। तो ये जो मैच है बहुत ही कॉन्टेस्ट होगा और हाई वोल्टेज मैच होगा ये भी मैच। तो ये जो कराची और पेशवर जर्मी जो भी टीम टॉस जीतेगा वो तो बॉलिंग करना ही पसंद करेगा, सिर्फ इतना ही नहीं। मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो दोनों टीम के अगर कंपेयर किया जाए तो बैटिंग लाइनअप जो है दोनों टीमों की वो मुझे सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप जो है वो पेशवर जर्मी की बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो दोनों टीमों की अगर कंपेयर किया जाए तो सेम टू सेम है। तो मेरे हिसाब से जो मैच है जो भी टीम चेसिंग करेगा ना उस टीम ये मैच जो है वो 99% जीतेगा। मेरे हिसाब से मेरी प्रिडिक्ट ये रहा है कि सेकेंड रन में किसी भी टीम के साथ जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि ये जो मैच है वो जो भी टीम चेसिंग करेगा वो टीम जीतेगा। तो मेरे हिसाब से कराची आज टॉस जीत सकता है और कराची मैच भी जीत सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे जरूर कमेंट्स करो। लेकिन पेशवर जर्मी के पास हज़रतुल्ला ज़ाज़ा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, कुछ भी कर सकता है। तो सोच समझ के करना और लॉस का बुक सेट करके चलना है। तो चलता है वॉच करिए और जाने से पहले वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक मार दो और उसके साथ साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करना है। बाकी चैनल है आप लोगों के लिए मैं कम करता हूँ, तो कोशिश करोगे आप लोग भी मुझे थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए। तो चलते हैं आज के लिए।